आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, बिहार का नंबर वन डिजिटल चैनल। नमस्कार, मैं हूं तरुणम और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब डिजिटल चैनल पे। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल पटना पहुंची थी और वो ढोली सती रिटेलर मॉल का उद्घाटन करने पहुंची थी। उद्घाटन के लिए जब वो ऊपरी तल्ला पे जा रही थी और लिफ्ट का उपयोग कर रही थी, तभी अचानक 10 मिनट तक लिफ्ट फंस गया था। क्यों फंस गया था हम आपको बता दें कि दोपहर 1:15 के करीब अमीषा पटेल जैसे ही लिफ्ट में सवार हुई, अचानक भीड़ उनको देखने के लिए उस लिफ्ट में सवार हो गई। अचानक अधिक वजन होने के कारण लिफ्ट आधे रास्ते में फंस गई। लिफ्ट में तीसरे फ्लोर पर ले जाने के लिए लिफ्ट मैन ने काफ़ी मशक्कत की, तब अमीषा पटेल को 5वें तले तक पहुंचाया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने तमाम लोगों को शुक्रिया कहा, शुक्रिया पटना वाले कहा और उन्हें अपने प्यार के लिए काफ़ी धन्यवाद भी दिया। आंखों पर काला चश्मा, चेहरों पर एक मुस्कुराहट और राजधानी में मिली उन्हें ढेर सारा प्यार को वो शुक्रिया कहते हुए दिख रही थी। अमीषा पटना में एक मॉल के उद्घाटन में इस समारोह में शामिल होने आई थी। बुधवार को जब दोपहर 1:00 खेतान मार्केट में अमीषा पटेल की झलक पाने के लिए लाखों के लोग उमड़ पड़े और लोगों में काफ़ी उत्साह भी दिख रहा था। अमीषा पटेल के फैंस उनके साथ सेल्फी लेने के लिए काफ़ी उत्सुक भी दिखे और काफ़ी खुशी खुशी उनके साथ सेल्फी लेते हुए दिखे। अमीषा पटेल का कहना था कि बिहार बदल गया है, पहले मैं आने से डरती थी लेकिन अब अगर इनविटेशन मिलता है तो चली आती हूँ। यहाँ के लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं और पटना की खूबसूरती देखने को मिल जाता है। यहाँ की दीवारों पे जो चित्र काढ़ी हुई है उससे खूबसूरत नज़ारा और कहीं देखने को नहीं है। साथ ही साथ अमीषा ने ये भी कहा है कि मैं पटना को शुक्रिया करना चाहती हूँ मुझे याद रखने के लिए। अमीषा ने ये भी कहा कि नई फिल्म देसी मज़ा आ रहा है, बिहार यूपी उनके फिल्म अधिकतर देखती हैं। उनकी जो नई फिल्म है वो देसी मैजिक आ रही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार और यूपी वाले को उनकी फिल्म काफ़ी पसंद आती है। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने खेतान मार्केट में ढोली सती रिटेलर मॉल का उद्घाटन किया है। रिटेलर मॉल के बारे में लोगों को बताया है, ईद में, स्वतंत्रता दिवस में, सावन के महोत्सव में, भाई दूज के बाद कई त्यौहार में आने वाले हैं और शॉपिंग के लिए रिटेलर मॉल सबसे अच्छा है। साथ ही उन्होंने पद निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव से कहा है कि रिटेलर शॉप के आने से पटना के लोगों में काफ़ी वैराइटीज़ के ड्रेस मिलने लगे हैं। ढोली सती के अशोक कुमार ऑफ ने बताया है कि वो 1984 में होलसेल का काम करते थे। यहाँ ग्राहकों को होलसेल रेट पे कपड़े बेचते थे। यहाँ लहंगा 1,000 रुपये से शुरू होता था, साड़ी वहीं 200 रुपये से शुरू होता था और सलवार सूट का जो पीस है वो 250 रुपये में उपलब्ध हुआ करता था। तो फिलहाल खबर इतनी ही, और खबरें जानने के लिए पता नहीं क्या करना है, नीचे तो सब्सक्रिप्शन का बटन है ना, सब्सक्राइब का बटन लाल कलर का, उसे जाके दबा देना है और साथ ही एक घंटी होगा उसे जाके बजा देना है ताकि जब हम खबरें आपके लिए लेके आएँ तो वो आप तक सही सलामत पहुँच जाने चाहिए। देखते रहें न्यूज़ बिहार, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हम तक ज़रूर भेजें। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।